देखना ये बदलाव नहीं है इस बार, जो है वो एक लहर है जो सारे प्रोड्यूसर एक तरफ हो गए और एकजुट हैं और एक बड़ा परिवर्तन आएगा इसमें, और सब जो मजे हुए जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनका एक ग्रुप होना बहुत ज़रूरी था, तो इसकी वजह से जो है सारे प्रोड्यूसर्स का एक ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा बना हुआ है। सर आप क्या बदलाव चाहते हैं, एक कोई खास बदलाव जो आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एकजुट रहें, जो प्रोड्यूसर्स की जो तकलीफ़ें हैं वो ये ग्रुप जो है बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि इसमें सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो बहुत सारी पिक्चरें बना चुके हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो उन प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा करेगा, जो नए प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं उनको एक नई राह पे लेके जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जितने भी बेनिफिट्स हैं वो, जैसे अभय जी हैं, उन्होंने इतनी पिक्चर बनाई होगी आप काउंट नहीं कर सकते, हम लोगों ने बनाई, सब लोगों ने, जो प्रोड्यूसर्स हैं इसमें वो एक अलग एक्सपीरियंस है उनके, वो उनका एक बेनिफिट है। आप प्रोड्यूसर हैं, म्यूजिक कंपनी के ओनर भी हैं। हाँ जी, क्या इंडस्ट्री में आप क्या देखते हैं, उसमें क्या बदलाव? एक बहुत बड़ा बदलाव आया है इन 3 सालों में, जो भोजपुरी का जो एक रूप है वो बदला है, और जो रूप है वो अब दिख रहा है लोगों को कि एक इतने बड़े स्तर पे भोजपुरी उभर के आ रही है, तो वो एक बड़ा अच्छा माहौल हो गया है। तो अब उनकी जो हम लोगों की जो भोजपुरी की जगह थी वो अब बॉलीवुड के नज़दीक पहुंच गई है, और मिल के काम कर रहे हैं सारे लोग, जितने भी हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, गुजराती मराठी सारे। थैंक यू।